क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आप अभी तक जिम में कर रहे थे या जितनी भी मेहनत आपने करी है उसमें का बहुत परसेंटेज जो है वो वेस्ट चला गया है। जितना आपका ग्रोथ का पोटेंशियल है उतना आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और अब आप मेरे से पूछोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। बट उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट होगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपको एक वर्कआउट रूटीन भी देने वाला हूँ जो कि आप फॉलो कर सकते हो जब आप नेक्स्ट टाइम जिम में जाओगे। सबसे पहली बात, अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो जिसमें हर बॉडी पार्ट को एक दिन ट्रेन करते हो, जैसे कि मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेंसडे को शोल्डर, थर्सडे को आर्म्स और सो ऑन, और फ्राइडे या सैटरडे को लेग्स, अगर आप फ्लेक्स करते होगे तो करते हो ना। मान लो आज चेस्ट है और आप सिर्फ आज चेस्ट का वर्कआउट करोगे। सबसे पहला एक्सरसाइज आपने स्टार्ट किया जिसमें से 3 से 4 सेट किया आपने, दूसरा एक्सरसाइज किया जिसमें 3 से 4 सेट फिर से किया आपने, दूसरा मतलब कि चेस्ट का ही दूसरा एक्सरसाइज। स्टडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 से 8 सेट्स के बाद आपके जो मसल्स है वो फटीग हो जाते हैं और वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते। आपका पहला सेट था उसमें आप फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हो और धीरे धीरे जैसे जैसे सेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेट पे जाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका मसल्स फटीग होता जा रहा है और वो अपने पोटेंशियल्स को लूज करता जा रहा है। ऑब्वियसली बीच में रेस्ट जो आप करते हो वो मसल्स अपने पोटेंशियल पे आ जाता है, बट उसका भी एक लिमिट है। वो लिमिट ज़्यादातर लोगों के लिए 6 to 8 सेट्स है। उसके बाद अगर आप सेट्स के बीच में रेस्ट भी कर रहे हो तो मसल्स का फुली रिकवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो आप अब थर्ड एक्सरसाइज की तरफ हो अपने चेस्ट का, जिसमें आप अपना 8वां या 9वां सेट लगा रहे हो, उस टाइम तक आपका मसल्स काफ़ी ज़्यादा फटीक हो चुका है और अपने 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है, तो वो ग्रो भी अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं होगा। तो एक दिन में चेस्ट के 4 से 5 एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है जब दूसरे एक्सरसाइज के बाद ही हमारा मसल इतना फटीक हो जाएगा। और फिर अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो चेस्ट डे सिर्फ वीक में एक ही दिन आएगा, और फिर जब आपको चेस्ट ट्रेन करना होगा तो आपको नेक्स्ट मंडे का वेट करना पड़ता है और फिर उसके नेक्स्ट मंडे का वेट करना पड़ता है। तो कोई भी बॉडी पार्ट सिर्फ आप वीक में एक ही दिन ट्रेन कर रहे हो। स्टडीज के हिसाब से हमारे मसल्स 24 to 48 आवर्स में फिर से ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से ग्रो होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ पे मैं 2 दिन के बाद फिर से चेस्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं 7 डेज के बाद चेस्ट कर रहा हूँ। जो फ्रिक्वेंसी है जहाँ पे बार बार ग्रोथ करने का पोटेंशियल है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैं छोड़ रहा हूँ जब मैं ब्रो स्प्लिट कर रहा हूँ या जब आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो। बट अगर आप पुश पुल लेग स्प्लिट करते हो, जहाँ पे पुश वाले सारे वर्कआउट एक दिन करते हो, पुल वाले सारे वर्कआउट एक दिन करते हो और लेग्स को एक दिन फॉलो करते हो, तो आप इस स्प्लिट को 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। और अगर आप जिम वीक में 6 दिन जाते हो तो आप हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन कर पाओगे। या अगर आप अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करते हो तो आप हफ्ते में 3 बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हो, अगर आप हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हो। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जिम जाते हो तब भी आप हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर में मैं बस जिम जाने वाला हूँ, थोड़ा सा प्री वर्कआउट आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हो ये पीनट बटर मैंने लगा रखा है, इसमें थोड़ा सा मैंने प्रोटीन पाउडर मिलाया है पीनट बटर में, जिसकी वजह से इस पे थोड़ा टेक्सचर आ गया है और ब्राउन कलर वो प्रोटीन पाउडर की वजह से आया है। 2 ब्रेड है इसमें, हाँ यहाँ पे, और फिर कॉफ़ी है, आइस्ड कॉफ़ी है ये एक्चुअली, तो ये नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी है, कोई मिल्क नहीं, कोई कैलोरीज नहीं। मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट करता हूँ और आज मेरा अपर बॉडी वर्कआउट है जिसमें मैं अपना चेस्ट, बैक, शोल्डर और आर्म्स ट्रेन करूँगा। सबसे पहले मैं इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस करने वाला हूँ, 2 वार्म अप सेट करूँगा और 3 से 4 वर्किंग सेट करूँगा। उसके बाद मैं बैक के लिए बेंट ओवर टीबा रो करूंगा, जिसमें मैं 2 वार्म अप सेट और 3 से 4 वर्किंग सेट करूंगा। और फिर से मैं चेस्ट का एक्सरसाइज करूंगा जिसमें मैं मशीन फ्लाइज कर रहा हूं 3 सेट। फिर से मैं दूसरा बैक का एक्सरसाइज करूंगा जिसमें मैं 3 सेट करूंगा वाइड ग्रिप केबल पुल डाउन का। उसके बाद शोल्डर का 1 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। जब मैं लोअर बॉडी ट्रेन करता हूँ तो उसमें 3 एक्सरसाइजेज लेग्स के करता हूँ, 2 एक्सरसाइजेज शोल्डर्स के लिए करता हूँ,
एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए और एक एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए करता हूँ। अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो और बैक के 6 एक्सरसाइज कर रहे हो एक दिन में, और मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ जिसमें मैं बैक 3 बार करूँगा और हर बार मैं 2-2 एक्सरसाइज करूँगा बैक के, तो मैं भी 6 एक्सरसाइज कर रहा हूँ बैक के पूरे वीक में। मुझे अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करके अच्छा लग रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ अपने बॉडी में चेंजेस, और मुझे लगता है कि आपको भी इससे फायदा हो सकता है। एटलीस्ट अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो तो पुश पुल लेग वर्कआउट भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है ब्रो स्प्लिट से। और अगर आपको मेरी तरह अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है जिसमें आपको एक PDF मिलेगा। उस PDF मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि कौन सा सेट कितना करना है, कितने एक्सरसाइजेस करने हैं, कौन से दिन में कौन सा एक्सरसाइज करना है, और जब आप नेक्स्ट टाइम जिम जाओगे तो वो रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। और इससे अगर मुझे फायदा मिला है तो मुझे लगता है कि इससे आपको भी ज़रूर फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है जो कि जिम ज्वाइन कर रहा है या जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कौन सा स्प्लिट फॉलो करना चाहिए या जो कंफ्यूज्ड है, तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।